ग्वालियर में बेटे का पिता को मारने का मामला सामने आया है। बेटे ने पिता की हत्या के बाद पुलिस में जाकर बयान भी दर्ज कराया। बयान के आधार पर पुलिस ने बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में आने वाले रामपुरी मोहल्ला में पिता और बेटे का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। कल्याण सिंह की मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बोड़ापुर पुलिस को एक बात संज्ञान में आई, थाने से एक तहरीर हमारे पास में आई थी कि एक बुजुर्ग आदमी बड़े ही इंजर्ड अवस्था में वहाँ पर उनको एडमिट करवाया गया है और प्रथम दृष्टया एक वो जो फिजिकल असोल्ट का केस लग रहा था। उस तहरीर पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे जो बीट प्रभारी हैं, बीट के अधिकारी हैं, वो हॉस्पिटल पहुँचे और जब पूरा वाक्य समझ में आया तो ये बात सामने आई और बयान में भी जो जो शख्स वहाँ पर एडमिट हुए थे, बुजुर्ग एडमिट हुए थे, उनकी पत्नी ने बताया कि किसी घरेलू विवाद को लेके बाप बेटे दोनों में लड़ाई हो गई थी और चूँकि बेटे ने अपने पिताजी को ही दीवार में सर मारा है और किसी डंडे या रॉड से उसको चोट पहुंचाई है और कुछ चोट ऐसी गंभीर थी कि उनको इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसी में 302 की FIR हमने उनकी माँ के बयान के आधार पर उसमें 302 का FIR दर्ज किया और लड़का भी गायब है, उसके लिए टीम लगी हुई है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी।